फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रध्वज जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, जिसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टेड है, इस साल देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए और इसी अवसर में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया और सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया। अपने वर्तमान रूप में आने से पहले भारत के राष्ट्रध्वज ने 6 बार रूप रंग बदला है, जिसमें से सबसे पहले 1906 में कोलकाता के पारसीवागन स्क्वायर में तिरंगे झंडे को फहराया था, जिसके बीच में सफेद रंग की पट्टी की बजाय पीले रंग की पट्टी थी और वहीं सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी जिस पर अर्धचक्र और सूरज बना हुआ था और वहीं सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी थी जिस पर कमल के फूल बने हुए थे। फिर 1907 में मैडम काम ने बर्लिन में तिरंगे झंडे को फहराया था, जिसके बीच में पीले रंग की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और वहीं सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में कमल के फूल की बजाय 7 तारे बने हुए थे। फिर 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर तिरंगे झंडे को फहराया था, जिसमें 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी और उस पर 7 तारे अंकित किए गए थे और उसके बाएं कोने में एक तिरंगा झंडा भी छापा गया था। फिर 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में युवा ने तिरंगे झंडे को गांधी जी को दिया, जिस पर 3 पट्टियां अंकित थी और उस पर एक नीले रंग का चरखा भी अंकित था। फिर भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। तिरंगे को पहली बार भारतीय संविधान सभा की 22 अगस्त की बैठक में देखा गया था, जिसके बाद इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।